ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जो सूटकेस के अंदर कैद है और उसे जब भी दर्द होता है तो उसके अंदर से सोने के सिक्के निकलते हैं। इस मूवी का नाम है सूटकेस मैन। फिल्म की स्टार्टिंग में हम एक लड़के को एयरपोर्ट पर देखते हैं। इस लड़के का नाम जस्टिन होता है। जस्टिन यहाँ पर अपने लगेज के आने का इंतजार कर रहा होता है। हालांकि उसे काफी देर हो गई होती है पर उसका लगेज नहीं आया होता है, इसीलिए वो एयरपोर्ट कस्टम के पास जाता है इस बात की शिकायत करने के लिए। लेकिन तभी फिर से लगेज कार्ट स्टार्ट हो जाती है और उसका सामान वापस आ जाता है। लेकिन यहाँ पर हम देख पाते हैं कि उसका बैग किसी और के बैग से एक्सचेंज हो गया होता है और इस बात के बारे में जस्टिन को कुछ भी पता नहीं होता है। अब एयरपोर्ट से निकलकर जस्टिन अपनी कार में बैठ जाता है अपने घर पर जाने के लिए और वो ड्राइव करते वक्त ही स्मोक करने लगता है, पर इससे उसका ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और उसका फोन नीचे गिर जाता है, जिससे गलती से उसकी एक्स गर्लफ्रेंड को फोन लग जाता है, जिससे कुछ टाइम पहले उसका ब्रेकअप हुआ होता है। वो यहाँ पर फोन काटने की पूरी कोशिश करता है लेकिन फोन कट नहीं पाता और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड फोन उठा लेती है। इस लड़की का नाम कार्ला होता है। कार्ला अब जस्टिन पर गुस्सा करती है कि उसने उसे कॉल क्यों किया। दरअसल कार्ला एक ऐसे टाइप की लड़की होती है जिसे सिर्फ पैसे वाले लड़कों में ही इंटरेस्ट होता है और जस्टिन को छोड़ने की वजह सिर्फ यही होती है क्योंकि वो गरीब होता है, और अब यहाँ पर वो कॉल कट कर देती है। अब आगे जस्टिन अपने घर पहुँचता है जहाँ पर सारी चीजें बिखरी हुई होती है। अब यहाँ पर उसे काफी तेज भूख लगी होती है तो अपने फ्रिज को चेक करता है, लेकिन उसके फ्रेंड ने जो कि जस्टिन के साथ ही रहता है उसने सारा खाना खा लिया होता है। अब थकार कर जस्टिन फिर से स्मोकिंग करने लगता है। अब यहाँ पर जस्टिन कुछ एडल्ट वीडियोस देखता है, फिर पढ़ता है और फिर सो जाता है। अब वो सो ही रहा होता है कि उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। जब वो इन आवाजों को ध्यान से सुनता है तो उसे पता चलता है कि कोई उससे मदद मांग रहा है। जब वो आसपास चेक करता है तो उसे पता चलता है कि ये आवाजें सूटकेस से आ रही हैं, जो कि वो अभी एयरपोर्ट से लाया होता है, जिसमें से बार बार ये आवाजें आ रही होती हैं कि मेरी मदद करो। अब डरते डरते इस सूटकेस को खोलता है, पर जैसे ही वो सूटकेस को खोलता है वो बहुत डर जाता है क्योंकि उसके अंदर एक ऐसा आदमी होता है जिसके हाथ पैर बुरी तरीके से मुड़े हुए होते हैं और वो किसी तरीके से इस सूटकेस में फिक्स होता है। और हैरानी की बात तो ये होती है कि आदमी अभी भी जिंदा होता है। और अब वो जस्टिन से कहता है कि प्लीज़ तुम मेरा मुंह अपनी तरफ कर लो ताकि मैं तुमसे बात कर सकूं। पर यहाँ पर जस्टिन बहुत डर रहा होता है, पर साथ ही साथ वो ये भी सोचता है कि इस कंडीशन में ये आदमी मेरा क्या बिगाड़ सकता है। पर फिर भी वो अपनी सिक्योरिटी के लिए एक बैट लेकर उसके पास जाता है और अब वो उसका सर घुमा देता है। और इसी बीच बार बार इस सूटकेस में से हड्डियों की टूटने की आवाज़ आ रही होती है, जिन आवाज़ों को सुनकर जस्टिन अपना बैट हाथ में उठा लेता है। पर ये आदमी जस्टिन को कहता है कि तुम्हें मुझसे कोई खतरा नहीं है, और अब जस्टिन बैट को रख देता है। अब जस्टिन इस आदमी से पूछता है कि तुम्हारी ऐसी हालत किसने की है, तो ये आदमी जस्टिन को बताता है कि मैंने एक आदमी को बहुत भला बुरा कहा था जिसकी वजह से उसे बहुत गुस्सा आ गया और उसने मेरी ये हालत कर दी, और अब मैं इतनी बुरी कंडीशन में हूँ कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। पर जस्टिन यहाँ पर इस आदमी से बहुत ज्यादा डर रहा होता है, इसीलिए जस्टिन इस आदमी को कहता है कि मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता हूँ और वैसे भी तुम्हारा इलाज तो हॉस्पिटल में ही होगा, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ये आदमी जस्टिन से कहता है कि जिन लोगों ने मेरी ये हालत की है वो हॉस्पिटल में भी आ जाएंगे और मुझे मार देंगे, प्लीज तुम मेरी यहीं पर मदद कर दो जिसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तो इतना कहने पर जस्टिन उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, पर जस्टिन यहाँ पर उसे वार्निंग भी देता है, अगर मैंने तुम्हें यहाँ से निकाला तो तुम्हारी हालत और भी खराब हो सकती है। बट फिर भी वो आदमी जस्टिन को यहाँ से बाहर निकालने के लिए कहता है। अब जस्टिन इस आदमी को यहाँ से बाहर निकालने में लग जाता है, लेकिन इस आदमी को इससे बहुत दर्द होता है, और जब उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है तो उसके मुँह से एक कॉइन निकलता है एंड जस्टिन इस कॉइन को कैच कर लेता है। अब जस्टिन इस आदमी से इस कॉइन के बारे में पूछता है, तो वो आदमी जस्टिन को बताता है कि हमारे पूरे परिवार पर एक कर्ज है, हमें जब भी दर्द होता है हमारे अंदर से एक कॉइन निकलता है, और ये कोई नॉर्मल कॉइन नहीं होता, ये सोने का कॉइन होता है, हमें जितना ज्यादा दर्द होगा कॉइन उतने सारे ही निकलेंगे, लेकिन मैं तुम्हें बहुत सारे कॉइन दे सकता हूँ, बस तुम मुझे इस जगह से बाहर निकाल दो, और इस सूटकेस से बाहर निकलने में मुझे बहुत दर्द होगा जिससे बहुत सारे सिक्के निकलेंगे, और वो तुम सिक्के रख लेना जिससे तुम्हारा भी काम हो जाएगा और मेरा भी काम हो जाएगा। लेकिन ये आदमी जस्टिन से कहता है कि अभी उसे बहुत थकान हो रही है और उसे पहले से ही बहुत दर्द हो रहा है, तो तुम मुझे यहाँ से निकालने का काम कल करना। लेकिन जस्टिन को ये सारी बातें झूठ लगती हैं और उसे ये भी लगता है कि ये सिक्का सोने का नहीं होगा, इसीलिए वो एक शॉप पर जाता है ये पता लगाने के लिए कि ये रियल गोल्ड है या नहीं। जस्टिन यहाँ पर शॉपकीपर से पूछता है कि क्या ये रियल गोल्ड है, तो शॉपकीपर कहता है ये 24 कैरेट का गोल्ड है जिसकी तुम्हें अच्छी कीमत मिलेगी। अब शॉपकीपर इस कॉइन के बदले में $275 जस्टिन को दे देता है, जिसके बाद जस्टिन अपने दोस्त एलेक्स के पास जाता है, जहाँ पर जस्टिन एलेक्स को बताता है कि आज मेरे पास $275 है तो आज हम पार्टी कर सकते हैं। तो एलेक्स उससे पूछता है कि तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए, तो जस्टिन उसे बताता है कि मेरे पास एक गोल्ड कॉइन था जिसे मैंने आज बेच दिया।
जिसके बदले मुझे $275 मिले। तो इस पर एलेक्स कहता है कि तुमने बहुत सस्ते में उसे बेच दिया, तुमने एक गोल्ड कॉइन बेचा है जिसके तुम्हें बहुत ज्यादा मिलने चाहिए थे। अब एलेक्स जस्टिन से पूछता है कि तुम्हारे पास कॉइन आया कहाँ से। तो इस पर जस्टिन उसे सारी बातें बता देता है कि कैसे उसे एक सूटकेस मिला जिसमें से उसे एक आदमी मिला और उसे दर देने पर कॉइन्स मिलते हैं। लेकिन एलेक्स उसकी सारी बातों को मजाक में लेता है। तो प्रूव करने के लिए जस्टिन उसे अपने साथ अपने घर ले जाता है, पर जैसे ही वो अपने गेट पर पहुंचता है वहां से कार्ला निकल कर आती है एंड वो यहाँ पर बहुत गुस्सा होती है। वो जस्टिन से कहती है, मैंने सोचा था कि तुम सिर्फ मेरे लिए अच्छे नहीं हो, पर तुम तो यहाँ पर किसी के लिए भी अच्छे नहीं हो, तुम तो एक मर्डरर हो और तुमने मर्डर करने के बाद उसे एक सूटकेस में भर दिया। लेकिन जस्टिन यहाँ पर कार्ला से पूछता है कि तुम यहाँ पर किस लिए आई थी। तो इस पर कार्ला उसे कहती है कि मैं अपना कुछ सामान लेने के लिए आई थी जो पहले यहाँ पर छूट गया था। जिसके बाद ये तीनों अब रूम के अंदर जाते हैं और अब एलेक्स यहाँ पर सूटकेस को खोलता है। अब इस तरह की अजीब कंडीशन में इस आदमी को देखकर कार्ला और एलेक्स बहुत डर जाते हैं और यहाँ पर भी वो आदमी इनसे हेल्प मांगता है। तो कार्ला उसकी हेल्प करने के लिए उसके पास जाती है और उसे सूटकेस से बाहर निकालने की कोशिश करती है, जिस वजह से इस आदमी को यहाँ पर बहुत दर्द होता है और दर्द की वजह से उसके मुंह से बहुत सारे कॉइन्स निकलने लगते हैं। अब इन कॉइन्स को देखकर जस्टिन तो बिल्कुल नॉर्मल ही रहता है, लेकिन यहाँ पर कार्ला और एलेक्स के मन में बहुत ज़्यादा लालच आ जाता है। वो ये सोचते हैं वो इस आदमी की वजह से करोड़पति बन सकते हैं, जिससे हम अपने सारे शौक को पूरा कर सकते हैं और हमें कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, हमें इस अपॉर्चुनिटी को नहीं गंवाना चाहिए। लेकिन जस्टिन यहाँ पर कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये प्लान अच्छा है, क्योंकि इस आदमी ने कहा है ये सब इनके साथ एक कर्ज की वजह से हो रहा है। जब भी इन्हें दर्द होता है तो कॉइन्स निकलते हैं और अगर शायद हम उन कॉइन्स का यूज़ करेंगे तो शायद ये कर्ज हम पर भी आ जाए, और ये भी हो सकता है कि अगर हमने इसे अपने पास ज़्यादा टाइम रखा तो हमारे साथ बहुत बुरा हो। अब जस्टिन और कार्ला बात कर ही रहे होते हैं कि एलेक्स उस सूटकेस को उठाकर सीढ़ियों से नीचे फेंक देता है, जिस वजह से इस आदमी को बहुत ज़्यादा दर्द होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर सिक्कों की बरसात हो जाती है और अब ये तीनों यहाँ पर लालच में आ जाते हैं। हालांकि यहाँ पर जस्टिन इस आदमी के साथ सिंपैथी रखता है, पर इन दोनों के यहाँ पर होते हुए वो यहाँ पर कुछ नहीं कर पाता। लेकिन यहाँ पर जस्टिन अब एक शर्त रखता है, क्योंकि ये उसका सूटकेस है तो उन्हें एक बात तो माननी ही पड़ेगी कि हम जल्दी से इससे पैसे कमाकर अपने से दूर कर देंगे, क्योंकि शायद इससे हमारे साथ बहुत बुरा हो सकता है। और अब ये दोनों इस बात को मान जाते हैं, जिसके बाद ये उस आदमी को हर उस तरीके से टॉर्चर करते हैं जिससे उसे ज़्यादा से ज़्यादा दर्द हो। और थोड़े ही टाइम में इनके पास सिक्कों के ढेर लग जाते हैं, जिनके पैसों से हर तरह का एंजॉयमेंट करते हैं। और वहीं जस्टिन के पीछे कार्ला और एलेक्स हुकअप कर रहे होते हैं और इस बारे में जस्टिन को कुछ भी पता नहीं होता है। और अभी टाइम एक साथ स्पेंड कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर जस्टिन आ जाता है, पर उसे यहाँ पर कुछ नहीं पता चल पाता। जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि इनके पास काफ़ी सारे सिक्के हो चुके हैं, पर तब भी इनका लालच खत्म नहीं होता। और अब ये तीनों मिलकर इस आदमी को शॉक ट्रीटमेंट देते हैं, जिससे इस आदमी को एक्सट्रीम लेवल पर दर्द होने लगता है और उसके मुंह से बहुत सारे सिक्के निकलने लगते हैं। लेकिन जल्दी अब जस्टिन इस शॉक ट्रीटमेंट को रोक देता है। तो जस्टिन के दोनों दोस्त उससे पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो यहाँ पर जस्टिन इन दोनों को कहता है कि हमने इस आदमी को एक्सट्रीम लेवल पर दर्द दे दिया है और अगर हम इसे ऐसे ही दर्द देते रहे तो इसकी मौत हो जाएगी, और वैसे भी हमने काफ़ी सारे सिक्के जमा कर लिए हैं, हमें और सिक्कों की ज़रूरत नहीं है। जिस पर कार्ला और एलेक्स जस्टिन पर बहुत गुस्सा करते हैं एंड तभी आदमी बोलता है कि प्लीज़ मुझे और शॉक दो जिससे मैं यहीं पर मर जाऊं और मेरा दर्द यहीं पर ख़त्म हो जाए। और अब एलेक्स शॉक की वोल्टेज सबसे ज़्यादा हाई कर देता है, लेकिन इस मोमेंट पर जस्टिन इनके खिलाफ हो जाता है और वो इन दोनों से कहता है कि अब बहुत हो चुका, अगर तुम नहीं रुके तो मैं पुलिस को कॉल कर रहा हूं। और अब वो पुलिस को कॉल करने लगता है, लेकिन कार्ला उसे रोकने के लिए उसके फ़ोन पर एक हैमर मार देती है और एक और हैमर उसके सिर पर मारती है, जिससे उसके सर से खून निकलने लगता है, जिसके बाद जस्टिन यहाँ से जाने लगता है। कार्ला भी उसके पीछे जाती है, लेकिन जस्टिन यहाँ पर सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। और एलेक्स और कार्ला यहाँ पर ये फैसला करते हैं कि हमें इस आदमी को एक्सट्रीम लेवल पर और शौक देना चाहिए और जितना हो सके आज के दिन ही हम कमा लेंगे, जिसके बाद हम एक नई ज़िंदगी शुरू करेंगे और तब तक हम इस आदमी को इतना तड़पाएंगे कि जब तक ये मर ना जाए। और ये बोलते ही ये आदमी यहाँ पर हंसने लगता है एंड यहाँ पर वो कहता है कि अब तुम अपनी नई ज़िंदगी नहीं जी सकते, तुम्हें तो इस सूटकेस में ही रहना होगा। और अब उस सूटकेस के अंदर से एक पर्पल कलर का मॉन्स्टर निकलता है जिसकी आंखें लाल होती हैं, जिसे देखकर एलेक्स और कार्ला बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। अब ये मॉन्स्टर यहाँ पर दो नए सूटकेस निकालता है जिसके अंदर इन दोनों को डाल देता है। और वहीं दूसरी तरफ हम जस्टिन को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में बिल्कुल सही सलामत होता है, और जब उसे यहाँ पर होश आता है तो उसके पास एक फूल और एक लेटर रखा होता है। जब जस्टिन उस लेटर को देखता है तो उसमें लिखा होता है कि जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी तो तुम मुझे याद कर लेना और मैं तुम्हारे पास होऊंगा। जिसके बाद हम उसी एयरपोर्ट को देखते हैं जहाँ पर हम उसी आदमी को देखते हैं
जो कि बिल्कुल सही होता है। दरअसल ये आदमी एक ट्रैप होता है तब तक के लिए जब तक किसी आदमी का लालच एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच ना जाए, तो वह आदमी उनकी जगह रिप्लेस हो जाता है और एक सूट केस में तब्दील हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी सूट केस मैन मूवी की कहानी। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।